तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में? जी हाँ सर, और उनके ट्रीटमेंट के लिए अवंतिका को तुरंत लोन चाहिए। अगर पैसे जमा नहीं किए तो पापा की ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी सर। तुम अचानक यहाँ कैसे? कहाँ जाता जीजा जी, बाढ़ पानी बारिश ने तो जीवन तबाह करके रखा है। क्या आप लोगों के हिसाब से ये ठीक है कि मैं हॉस्पिटल में अपने पापा को तिल तिल मरते हुए देखूं? अपना घर जलाकर कोई किसी के घर में उजाला नहीं फैलाता, जो तुम कर रही तो हटो। भाभी आप यहाँ? वो माँ कह रही थी कि आपके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि आप वहाँ हॉस्पिटल में होंगे। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? ये कपड़े रख दे मेरे कमरे में। वो आपने उस दिन जो 25,000 दिए थे ना, उसी की शॉपिंग करके आ रही हूँ। भैया आप आ गए। अच्छा आप लोग बातचीत कीजिए, भाभी आई। कब आई? बस थोड़ी देर पहले आई। पहले जब इस घर में आती थी तो लगता था कि अपने घर में आ रही हूँ। इस घर से जाती थी तो लगता था कि अपने घर से जा रही हूँ, लेकिन एक ही दिन में ऐसे लगने लगा है कि इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। कुछ नहीं बदला, ये घर और हम सब तुम्हारे हैं। अगर कुछ बदला है तो तुम्हारी सोच। अवंतिका मान लिया होता ना जो मॉम डैड कह रहे थे, मदद कर तो रहे थे ना वो। क्या मदद कर रहे थे और क्या मान लिया होता? क्या मैं अपनी बहन से जाकर ये कहती कि वो लिख कर दे कि वो पैसे वापस करेगी, तब जाकर मेरे ससुराल वाले मेरी मदद करेंगे? अवंतिका समझने की कोशिश करो तुम। क्या समझने की कोशिश करूं सिद्धार्थ? मम्मी पापा ये क्यों नहीं समझ सकते कि मेरे पापा है, मैं उनकी बेटी हूँ और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है? ये कौन मानने को इनकार कर रहा है कि वो तुम्हारे पिता हैं? मगर तुम्हें भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा घर है, हम सब भी तुम्हारे अपने हैं अवंतिका। क्या इसे अपनापन कहते हैं सिद्धार्थ? अरे अपने वो होते हैं जो सुख दुख में साथ दें,
मुझे भी यही लगा था कि हम सब सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन आज किसी को मेरा दर्द नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा तुम्हें लगता है अवंतिका कि मॉम डैड जो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, वहाँ मॉम डैड को लगता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, और वो सही भी तो कह रहे हैं। तुम अपने ससुराल को छोड़ के तुम सारा ध्यान अपने मायके में लगा रही हो। अवंतिका प्लीज समझने की कोशिश करो, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल होती है, उसके मायके में क्या हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बस सिद्धार्थ बस, मम्मी और पापा मेरे हंसुओं को देखना ही नहीं चाहते, और आप भी मुझे नहीं समझना चाहते। अगर आप मुझे समझते तो कम से कम मम्मी और पापा को समझा तो सकते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर तुम समझ नहीं रही, और उल्टा मुझे कह रही हो कि मॉम डैड को समझाओ। अरे मैं उन्हें समझा भी लेता मगर वो गलत हो तब ना। अवंतिका अगर वो तुम्हें अपना समझेंगे तो अपनों पर अधिकार भी तो समझेंगे ना, और क्या गलत कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी मायके की नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल की है, यही तुम्हारा घर है, यही ना। कल तक मैं अपनी थी, मेरे मम्मी पापा इस घर के रिश्तेदार थे, वो लोग भी अपने थे। हर समय बदला तो रिश्तों के मायने भी बदल गए सिद्धार्थ। मैं अपने पापा को मरने नहीं दूंगी, मैं उनका इलाज करवा कर रहूंगी। अवंतिका अभी तक नहीं आई। डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं, हमने दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट किए हैं, लेट्स सी क्या बोलते हैं। केस अभी काफी क्रिटिकल है। एक्सक्यूज मी, आपने अभी तक पैसे नहीं जमा करवाए? नहीं नहीं हो जाएगा, मेरी बेटी पैसे लेने के लिए गई है, बस उसके आते ही हम जमा करवा देंगे। अच्छा ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, आप मंगवा दीजिए। प्रतिमा, डॉक्टर ने इसमें जो दवाइयां और इंजेक्शन लिखे हैं वो कम से कम 15,000 और 20,000 रुपए से कम नहीं होंगे। 15,000 से 20,000 रुपए? माँ मैं दीदी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं उसे फोन मत करना, वो जरूर पैसे के इंतजाम में लगी होगी, ये सुनकर और भी परेशान हो जाएगी। माँ दवाइयाँ तुरंत लाना बहुत जरूरी है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, कहाँ से आएंगी दवाइयाँ? कैसे हालात है भगवान। माँ हमें ये दवाइयाँ कहीं से भी लानी होंगी। इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ है भी तो नहीं जिसे बेचकर हम दवाई ला सके बेटा? नहीं माँ बिल्कुल नहीं। तुम कह रही हो कि दवाइयाँ लाना बहुत जरूरी है, तो मंगवानी तो पड़ेगी ही ना। मंगलसूत्र सुहागन की निशानी होती है, सुहागन के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन एक मंगलसूत्र पति से बढ़कर तो नहीं होता। ये लो बेटा ये मंगलसूत्र बेचकर इसे जल्दी से दवाई लिया। जा बेटा जा, जल्दी से दवाई लेके आ, तुम्हारे पापा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं।
कर बेटा जा। अरे वाह ऊपर वाले वाह, केति वाह, बहुत सही समय पे दाखिल हुए हम इस घर में, बहुत सही मौका है ये। और अगर इस बार हम मौके का फायदा नहीं उठा पाए ना, तो आगे कभी नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम बिंदिया को इस घर की बहू बनाना चाहते थे, उसकी शादी करवाना चाहते थे सिद्धार्थ से, लेकिन इन लोगों ने कमाऊ बहू क्या देखी, चुपचाप सिद्धार्थ की शादी करवा दी। अरे बिंदिया कितनी अच्छी लड़की थी, कमाऊ बहू क्या देख ली, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, अरे हमें तक खबर करने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो होना था वही हुआ। ऐसे रिश्तों का अंजाम ऐसा ही होता है, और अब मुझे विश्वास भी होने लगा है। अब बिंदिया को इस घर की बहू बनाने के रास्ते मुझे फिर से नजर आने लगे। मैं भी तो वही कह रही हूँ, यही सही मौका है। बस एक बात का ख्याल रखना, रिश्तों के बीच सुलगी चिंगारी को बुझने नहीं देना है, उसे और हवा देनी है और भड़काना है। मैं समझ रहा हूँ केतकी। बस यही समझो कि इसी में हमारी भलाई है। सोचो बिंदिया अगर इस घर की बहू होती तो कितनी इज्जत होती हमारी इस घर में, कितने सम्मान से इस घर में रह रहे होते हम। बिल्कुल ठीक कह रही। कल तक बहुरानी पलकों पे रहती थी, लेकिन अब सबकी नजरों से आंसू बनकर नीचे गिर चुकी है, और नीचे गिरे आंसू का एक ही अंजाम होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। अब अवंतिका के रिश्तों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तभी नए रिश्ते जुड़ पाएंगे। मैं जब पिछली बार इस घर में आई थी ना, तो मेरा दिल जलता था, जहां बिंदिया को होना चाहिए वहां बहुरानी महारानी बनकर राज कर रही है। लेकिन तब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं करूंगी। आप देखिए इस घर में मैं बिंदिया का मामला कैसे सेट करती हूँ। सबसे पहले तो इस बात को बढ़ाने की जरूरत है, अवंतिका और सिद्धार्थ के रिश्ते को खराब करने की जरूरत है। अवंतिका का रिश्ता इस घर से इस कदर खराब होना चाहिए कि इस घर के सारे सदस्य उससे नफरत करने लगे, बात इतनी बढ़े कि तलाक तक पहुंच जाए। बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, अब ये बात तलाक तक जाकर ही थमेगी। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका, अच्छे बुरे की तमीज तो है नहीं उसमें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका दिमाग खराब किया है उसकी माँ ने, पता नहीं क्या क्या कहकर उकसाया है उसे, उसका बस चलना तो ये घर उठाकर ही बेच दे। माँ अब जो भी है बात को संभालना तो पड़ेगा ना। संभालना पड़ेगा, अरे कैसे संभालना पड़ेगा, हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, मगर नहीं समझे, और ऐसी लड़की को घर में बहू बना के ले आए। सच बात तो ये है कि ऐसी औरतें ही अपनी बेटियों का घर बिगाड़ती, किस अधिकार से उसकी माँ ने कहा होगा कि जाओ और अपने ससुराल से पैसे लेकर आओ। लेकिन मम्मा जेवर दिए तो उन्होंने ही थे ना। इसलिए दिए थे, वापस लेने के लिए, तो लड़की वाले लड़की को जेवर इसलिए देते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो वापस ले ले। हाँ माँ, हैरानी की बात तो यही है
उन लोग अपनी प्रॉब्लम खुद क्यों नहीं सॉल्व कर लेते? हमें परेशान करने का क्या मतलब है? अरे मैं तो कहती हूँ इसके बारे में बहू के माँ ने ही उसे बताया होगा कि जाओ और सारे जेवर उठा कर ले आओ। और वो सारे जेवर उठा कर ले जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि शंभू ने मुझे बता दिया और मैंने उसे रोक लिया, नहीं तो अब तक तो वो सारे जेवर बेच भी चुकी होती। लेकिन मम्मा जेवर दिए तो उन्होंने ही थे ना? किसने दिए थे? वापस लेने के लिए? क्या लड़की वाले लड़की को जेवर इसलिए देते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो वापस ले ले? ऐसे रीत रिवाज तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। अगर मैं चुप रह जाती ना तो अब तक तो वो सारे जेवर हाथ से निकल गए होते और अब तक तो वो बिक भी चुके होते। लेकिन अवंतिका को हम ये भी समझा सकते थे ना कि जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जेवरों को गिरवी रख के भी तो काम चलाया जा सकता था ना। वाह खराब हो गया तुम्हारा है। वो जेवर बेचे या गिरवी रखे पैसे तो हमारे ही घर से जाएंगे ना। अरे वो गिरवी रख के पैसे ले आती तो अपनी कमाई से ही भरती ना। अरे घूम फिर कर नुकसान तो हमारा ही है ना। कल को अगर कर्ज भरने में सारे पैसे चले जाएंगे तो हमें क्या देगी? तुम्हारा बिजनेस अभी चल नहीं रहा है ना। और फिर हमने शादी यही देख कर की थी ना कि कमाने वाली लड़की है, दो पैसे घर में आ जाएंगे। मम्मा लेकिन हमें उनकी भावनाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। एक बात समझ लो बेटा, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी पत्नी है और पत्नी से सबको हमदर्दी होती है, लेकिन पत्नी को इतना भी खुला मत छोड़ो कि वो हाथ से ही निकल जाए। बेटा अगर मायके वाले ऐसे हो ना तो लड़की ससुराल में खुशहाल रह ही नहीं सकती और ना ही ससुराल वाले खुशहाल रह सकते। बरखुरदार सोचना है तो इस वक्त ये सोचो कि वो किस तरह हमारी मुट्ठी में रहेगी। पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त वो। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हम 4 घंटे में लोन देते हैं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होना चाहिए। जी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। ये मेरी फाइल है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप, रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आईटी प्रूफ, सब कुछ इसी में है। डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे से हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पे आप काम करती हैं, आई डोंट थिंक आपके लोन में कोई प्रॉब्लम होगी। 4 घंटे के अंदर आप लोन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। थैंक यू सो मच। एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए ये पैसे चाहिए। ओह नो प्रॉब्लम। भावेश इस वक्त मेरे कैबिन में मिसेज अवंतिका बैठी हैं, मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ, आप उनसे फॉर्म भरवा लीजिए। 4 घंटे के अंदर उनका सारा लोन क्लियर हो जाना चाहिए। ओके मैंने चेक कर लिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं करवाता हूँ। आप कैबिन नंबर 5 में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिस्टर भावेश मिलेंगे, तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। भावेश डॉक्यूमेंट्स तो उनके सारे सही हैं, बस एक बार उनका एड्रेस वेरिफिकेशन कर लें। ओके। इनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। माँ पापा ठीक हो जाएंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। प्रतिमा कहाँ है? वो दवाई लेने गई है। ये खुशखबरी बिंदिया को भी सुना दो, बहुत खुश हो जाएगी। लाइए लाइए फोन लाइए, जल्दी दीजिए ना।
नमस्ते मौसी जी। नमस्ते नमस्ते बिंदिया, कैसी हो? हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप और मौसा जी कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। सुना था कुछ दिन पहले गांव में बाढ़ आई थी, उसके बाद हम आपका फोन लगाए पर लगा ही नहीं। दरअसल हम लोग शहर आए हुए हैं। शहर मतलब? अरे वही सिद्धार्थ के घर। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी थी, सोचा कि तुम्हें बता दूं। खुशखबरी? और अब हमारे लिए? हमारे लिए क्या खुशखबरी होगी मौसी? जो हमने सोचा था वो हो ही नहीं पाया। अब वही होने वाला है। हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ, गलती से अवंतिका इस घर की बहू जरूर बन गई, लेकिन जैसे बनी थी अब उसी तरह बिगड़ेगी भी। हम समझे नहीं मौसी। मतलब रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। सिद्धार्थ और अवंतिका के बीच तलाक की नौबत आ गई है, उसके बाद इस घर के रास्ते तेरे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे, और तूने जो सोचा था वही होने जा रहा है। क्या सच मौसी? हाँ बिंदिया, हम लोग चक्कर तो चला रहे हैं, अब देखना ये है कि कितना वक्त लगता है। चल अब मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जल्दी से फोन करना मौसी, हम इंतजार करेंगे। नमस्ते मौसी। खुश रहो खुश रहो। आपको पता है बिंदिया को मुझसे ज्यादा आप पर भरोसा है। कह रही थी मौसा जी जरूर कुछ करें, अब देखो आपको ही कुछ करना होगा, समझे? मुझे तो बड़े अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, और ये तो दुनिया की रीत है, एक तबाह होता है तभी दूसरा आबाद होता है। बिंदिया खुश हो रही होगी और अवंतिका कहीं रो रही होगी। आ गई बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि इनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। माँ पापा ठीक हो जाएंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। प्रतिमा कहाँ? वो दवाई लेने गई है। माँ आपका मंगलसूत्र कहाँ है? सिद्धार्थ को तुम अपना समझती रही, लेकिन उसे भी तुम्हारे दुखों का कोई एहसास नहीं। ये कैसा रिश्ता है और क्या मतलब है इन रिश्तों का? तुम सही कह रहे हो राकेश, शायद ऐसा ही होता है, जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें दर्द देता है। मैं पूछती हूँ कि तुमने यहाँ का पता दिया ही क्यों? लोगों में रिश्तों के साथ साथ इंसानियत भी खत्म हो गई है। कि मैं अपनी बेटी का फर्ज नहीं भूलूं, एक बहू होने का फर्ज निभाया है तो एक बेटी होने का फर्ज भी निभाऊंगी मैं।